नीमच जिले में बुधवार को टीकाकरण महाअभियान का पहला दिन था। महाअभियान के प्रथम दिन नागरिकों ने उत्साह के साथ केंद्र तक पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। जिले में टीकाकरण अभियान के पहले दिन बुधवार को करीब 117 केंद्रों पर नागरिकों को सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लगाई गई। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में सभी केंद्रों पर शारीरिक दूरी सहित अन्य कोविड-19 नियमों के तहत वैक्सीनेशन सम्पन्न हुआ। सभी केंद्रों पर शाम तक कुल 35,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया, जो लगभग पूर्ण भी हुआ। महाअभियान में नागरिकों ने सीधे स्पॉट पर पहुँच कर वैक्सीन लगाई। मौके पर ही नागरिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से रोटरी क्लब नीमच डायमंड हमेशा सक्रिय रहा है। चाहे किसी भी अभियान में हमेशा रोटरी डायमंड की भूमिका रहती है। उसी के तहत आज हमने सुबह 9 बजे से वात्सल्य भवन में ये टीकाकरण अभियान शुरू करा है। अभी 12:30 बजे तक 300 से अधिक टीकाकरण हो चुके हैं। 600 टीके का लक्ष्य है 5 बजे तक। और मैं नगरवासियों से यही आशा करता हूँ कि वो अपनी सहभागिता करके पूरी टीकाकरण में। रोटरी डायमंड द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यहाँ वात्सल्य भवन गांधी वाटिका में करीब 600 वैक्सीनेशन डोज लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 500 डोज कोविशील्ड के रहेंगे और 100 कोवैक्सीन के रहेंगे। और अब तक सवेरे 9 से लेकर 12:45 बजे तक 300 के आसपास डोज लगे जा चुके हैं। और आज बहुत बड़े पैमाने पर आज ही यहाँ पर टीकाकरण का जो है महाअभियान का कार्यक्रम रखा गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। पूरे शहर में आज टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और सवेरे से लोगों में बहुत उत्साह देखा गया टीकाकरण के लिए। आगे भी यही उत्साह बना रहेगा तो बहुत जल्द पूरे जिले भर के अंदर टीकाकरण अभियान बहुत सक्सेस होगा। और इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रमुख विधायक जी, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष पप्पू भैया का, इन सबका बहुत बहुत योगदान रहा है। बहुत तेज़ी के साथ, बहुत सक्रियता के साथ ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ रोटरी डायमंड क्लब की तरफ से, कि बहुत अच्छा बड़े लेवल पर ये टीकाकरण अभियान को जो है चला रहे हैं। इसी तरह से और चलता रहेगा तो बहुत जल्द पूरा नीमच जिला जो है वैक्सीनेटेड हो जाएगा। जनता से यही अपील है कि जितने उत्साह के साथ अभी में यही उत्साह रहा तो जिले में बहुत जल्दी पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड ये जिला हो जाएगा। इसी उत्साह को बनाए रखें और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करें टीकाकरण में, यही हम जिलेवासियों से चाहते हैं। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।